10,000 लोगों ने अपनाया बौद्ध धर्म। दिल्ली में धम्म दीक्षा का भव्य कार्यक्रम। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं। इन तस्वीरों में जो जन सैलाब उमड़ा है वो अपने पुरखों की विरासत के पास लौटने के लिए नजर आ रहा है। दिल्ली के बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भवन पर आज विशाल धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। इन तस्वीरों में नजर आ रहे सैकड़ों हजारों लोग अपने बौद्ध धर्म की तरफ लौटने के लिए एकजुट हुए हैं। क्या जागृति निर्माण की कि अगर एक कुत्ता उस तालाब से पानी पी सकता है, अगर कोई जानवर उस तालाब से पानी पी सकता है तो हम इंसान हैं। मिशन जय भीम की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा एवं मिशन जय भीम ने सामूहिक तौर से धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में दिल्ली और आसपास के अलावा देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आज एक साथ 10,000 से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म में घर वापसी की। अपने पुरखों की विरासत के पास लौट कर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आए थे जो बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए बाबा साहब की शिक्षाओं को अपनाते हुए समानता एवं न्याय के प्रतीक बौद्ध धर्म की तरफ लौट रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजरत्न अंबेडकर और दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के अलावा कई प्रमुख बहुजन हस्तियां भी मौजूद रही। अशोक विजयदशमी के मौके पर बौद्ध पुनर्जागरण आंदोलन के तौर पर इस कार्यक्रम को काफी सराहा जा रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। पानी पीने का नहीं था तो बाबा साहब का संघर्ष किस लिए था? बाबा साहब ने जो घोषणा बाहर के चौदार तालाब से की, बाबा साहब ने कहा कि जागृति का अग्नि हमेशा जलाए रखना, इसे बुझने नहीं देना। बाबा साहब ने एक जागृति निर्माण की। क्या जागृति निर्माण की कि अगर एक कुत्ता उस तालाब से पानी पी सकता है, अगर कोई जानवर उस तालाब से पानी पी सकता है तो हम इंसान हैं। हम इंसानों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, मरे हुए समाज को जिंदा करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बाहर के तालाब से किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों के दिलों में जागृति निर्माण की। जागृति निर्माण करने के बाद, क्योंकि उस समय हम हिंदू थे, तो हमारे लोगों का दूसरा आंदोलन शुरू हुआ कि अब हमें पानी पीने का अधिकार मिल गया है, हमें